हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी देखिए, कल इतना तबीयत ख़राब था और आज हिम्मत करके जैसे भी उठी हूँ। और आज भी ना, आज मतलब कि जैसे कल चूल्हा ठंडा था ना, तो उसी के लिए पूजा करने जा रही हूँ, धार देने। कल भी दिया था और आज थोड़ा ज़्यादा ही तैयारी के साथ जाना पड़ता है, क्योंकि आज पूड़ी हलवा ये सब भी बनाना था। लेकिन कल मेरा तबीयत इतना, परसों इतना काम कर करके मतलब थक गई थी, और कल थोड़ा आराम किया। और गर्मी की वजह से अभी भी थोड़ा मुझे तबीयत ठीक नहीं है, मेरा चक्कर मेरा आए जा रहा है। फिर भी मैंने पूजा किया अपना, जैसे तैसे कपड़े पहने, नहाए धोए, और फिर मैं मिठाई बाज़ार से ही मैंने मंगा लिया था, क्योंकि हलवा पूड़ी बनाने का ना मेरा एकदम भी हिम्मत नहीं हो रहा था। तो बस मैंने पूजा करके ये छोटी सी तैयारी कर ली थी मैंने, और धार वगैरह दे दिया मैंने, और मिठाई का डब्बा ले गई थी, बस वही चढ़ा दिया। और उनसे माफ़ी भी मांग लिया था कि मेरी तबीयत सही नहीं है, इसलिए मैं पूड़ी हलवा नहीं बना रही हूँ। और मुझे वैसे हर साल बना ही देती हूँ, लेकिन मेरी तबीयत की वजह से मेरा मतलब माथा जो है ना एकदम मतलब घूमे जा रहा था, और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मेरा क्यों इतना हो रहा है। तो ये गर्मी की वजह से ही हो रहा है, और दो दिन से ना मैंने ना खाया है ठीक से ना कुछ, इसीलिए। और जब तबीयत ख़राब होता ना, तो सबसे पहले मेरा खाना पीना ही बंद हो जाता है। और आज भी पूरा दिन मेरा वैसे ही बीता था, पूजा उजा कर लिया था मैंने, और जब पूजा, और ये मोबाइल है ना मैं अपने साथ ही ले गई थी, तो मैंने अपने अपने से ही मतलब यहाँ पे एक लोहे का डंडा जैसा है, उसी के सहारे मैंने साइड में जो यह खम्भा है ना, उसी के सहारे मैं रख रख के बना रही थी। और मुझसे जैसा बन पड़ा मैंने वैसे बना लिया है, और पूजा वगैरह करके। और अभी देखिए पूरा खाली है अभी सब, और थोड़ा देरी बाद मतलब सभी पूड़ी हलवा ये सब बना के ही चढ़ाएंगे आज के दिन। और मैं ही नहीं बनाई थी, क्योंकि मैंने बताया ना, तो इसलिए मैंने जैसे तैसे ऐसे ही अपना अपने को संभाला, और फिर पूजा करने आ गई थी यहाँ पे, और माता रानी से माफ़ी मांगा, और पूजा वगैरह करके फिर घर के लिए मतलब निकल जाऊँगी। और इनको जो पूड़ी हलवा बोली थी ना, तो उनको मैं मतलब जो मैंने पेड़े का प्रसाद चढ़ाया था ना, तो वही दे दिया था मैंने, और थोड़ा सा घर ले आई थी सबको प्रसाद देने के लिए। और ये देखिए इस तरह मतलब टेढ़ा हो जा रहा था मोबाइल मेरे हाथ में, मतलब ये सब लगा हुआ था, सिंदूर और ये सब चढ़ा रही थी ना, तो जैसे मुझसे बन पड़ा मैंने बना लिया, और फिर यहाँ पे इनको दे दिया था प्रसाद, तो ये अपना रख ली। और उसके बाद मैं अपना घर चली आई थी, और घर आके चूल्हा कल ठंडा था, तो चूल्हा परसों जो जला था उसके बाद साफ़ सफाई करके चूल्हे को धो पोछ के रख दिया था। फिर पहले इनका पूजा होगा, फिर उसके बाद ही इसे जलाया जाएगा। अगर हलवा पूड़ी बनता ना, तो पहले इसको पूजा करती, उसके बाद हलवा पूड़ी चढ़ा के तब जाती धार देने। लेकिन और मेरे कपड़े से ही दिख रहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने किस तरह कपड़े पहने हैं, और ठीक से पहन भी नहीं पा रही थी। फिर उसके बाद मैंने तबीयत नहीं सही लग रहा था, तो फिर मैंने चेंज कर लिया अपना कपड़ा, चेंज करके फिर ये पहन लिया था, क्योंकि मुझसे संभल ही नहीं रहा था एकदम भी, और दिमाग कहीं का कहीं जा रहा था। फिर उसके बाद ये लोग चाउमीन खाने की जिद कर रहे थे, तो बस वही नाश्ता में वही बना देती हूँ, पानी उबाल लिया था। और ये न्यू है जो उस दिन मैंने लिया था, तो इसी ये मतलब छेद वाली कटोरी है जिसमें पानी निकल जाता है। तो इतने दिन से तो मेरे पास वो थाली था, तो उसमें मैं काफ़ी सामान वगैरह रखती, इसलिए नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए मैंने ये वाला ले लिया, ताकि इसमें बहुत आसानी से निकल जाता है पानी। और फिर उसके बाद मैंने ये चाउमीन में प्याज वगैरह करके और अच्छे से इसको फ्राई कर लिया है, और इसी में फिर सॉस डाल दूँगी, ताकि इन लोगों को एक ही बार में ऐसे मिक्स करके दे दूँ। फिर उसके बाद नाश्ता और चाय वगैरह सब हो गया था, फिर भिंडी काटने बैठ गई थी, तो ये भिंडी कल के ही ला के रखे थे, और इसको अच्छे से मैंने पानी में डुबो दिया था सुबह में उठी ना तभी, तो अच्छे से इसको थोड़ा मतलब सूख जा रहे थे, गर्मी था ना इसीलिए, तो ये पानी में थोड़ा देरी रहने से ना ये ताज़ा टाइप के हो गए। फिर इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के मैंने धोया, फिर इसके पानी वगैरह निकाल के फिर इसको छोटे छोटे पीस में कट करने लग गई। और इसमें आलू दे के ही बनाऊंगी, ताकि ऐसे बनाने से ना बहुत थोड़ा सा हो जाता है, और थोड़ी सी आलू दे के बनाएंगे ना, तो थोड़ा मतलब हो जाएगा हम लोग चार जन के लिए, इस टाइम का हो जाएगा, फिर शाम का शाम को देखेंगे। तो बस
फिर मैंने ये आलू पहले डाल दिया है, आलू और प्याज, और ये ज़रा सा मतलब लाल हो जाए फिर उसके बाद भिंडी डाल दिया मैंने। और इसमें और कुछ नहीं, सिर्फ नमक जाए, नमक ही जाएगा बस। और दाल मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है और यहाँ पे ये फ्राई हो रहा है। और ये ना, मेरी तबीयत नहीं सही था तो ये नाश्ते का जितना बर्तन था तो वो धोने बैठ गया कि धो के नहा लेगा। फिर उसके बाद मैं इन लोगों को खाना वगैरह निकाल देती हूँ क्योंकि अभी खाने का टाइम हो चुका था। तो बस तो वही मैं इन लोगों को खाना दे देती हूँ ताकि ये लोग खा लेंगे अपना। और ये देखिए मेरा बाल का क्या मतलब, उस जैसे सुबह धोए थे ना बस एक कलेजर लगाया और वैसे ही छोड़ दिया था। फिर इन लोगों को खाना दिया मैंने और ये चटनी थोड़ी सी पुदीने का और धनिया पत्ता पड़ा था तो उसी की चटनी बना लिया था मैंने। और फिर सभी को एक एक करके खाना निकाल देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। इतना गर्मी हो रहा ना कि एकदम भी इच्छा नहीं हो रहा खाने का ना कुछ करने का। और जल्दी से खाना वगैरह सब खा लेंगे ना तो फिर सो जाएंगे हम लोग कबाड़ी वगैरह बंद करके। और फिर जैसे ही हम लोग सोए थे ना तो धड़ाम से ये ऊपर से पंखा के ऊपर जो दीवार है ना वहीं से ये कचरा गिर गया था। तो अच्छा हुआ कि मैं पहले उठ गई और ये भी उठ गया था, बस एक यही रह गया था जो बड़ा वाला बेटा ना वही रह गया था साइड में। तो वो देखिए अभी भी गिरे जा रहा ऊपर से, तो ये थोड़े थोड़े करके ना लग रहा पूरा ही निकल जाएगा। तो बस जितना गिरते जा रहा हम लोग उठा के साफ करते जाएंगे इसको। और जब ये पूरा हट जाएगा तो फिर से हमें चूना का जो पुट्टी होता है ना वो करवाना पड़ेगा। पता नहीं कैसे मतलब अब, और ये रोज़ ही थोड़ा थोड़ा करके गिर रहा, आज ही थोड़ा ज़्यादा मात्रा में गिर गया था, बहुत ज़्यादा गिर गया था और डर भी लग रहा था और आवाज़ भी हुआ था इसका ज़ोर से। तो बस फिर यहाँ पे ना मैं तेल ख़त्म हो गया था तो बस वही तेल इसमें डाल रही थी। तो अभी सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, ये लोग पानी भर रहे हैं, मैं अपना इस मतलब तेल मैंने भर दिया है। और काफ़ी ध्यान से भरना पड़ता है क्योंकि गिर न जाए, भारी होते हैं ना तेल का पैकेट, एक किलो वाला होता है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और इसमें सूखी मिर्च प्याज ये सब डाली है, जीरा डाला है थोड़ा सा, और ये थोड़ी सी चने की दाल थी तो उसी को मैंने ये देखिए मतलब ये परसों की भिगोई हुई दाल थी जो सब्ज़ी बनाई थी मैंने चूल्हा ठंडा के एक दिन पहले, तो वो ज़्यादा हो गया था इसलिए मैंने एक कटोरी छोटी वाली कटोरी से निकाल के अलग रख दिया था और उसी को फ्राई करी। और ये लोग पानी भर रहे हैं, मैं अपना खाना में लगी पड़ी थी और ये लोग पानी भर लेंगे तो तब यहाँ की लाइट जलेगी क्योंकि लाइट और ये पानी का स्विच है ना एक ही है इसीलिए। तो काफ़ी अंधेरा लग रहा था तो ये चने की दाल हो गई थी तो यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दिया और ये इसे मिक्सर में पीस लिया था तब ये इस तरह का इतना बन गया था। और यहाँ पर प्याज टमाटर मैंने फ्राई मतलब आलू पहले फ्राई कर लिया, प्याज टमाटर ये सब फ्राई कर रही हूँ। और ये पुदीने का पत्ता है तो इसी में ये मसाले डाल के मैं पीस के इसकी सब्ज़ी बना दूँगी क्योंकि ये मतलब पुदीने का जो फ्लेवर होता है ना बहुत अच्छा लगता है। तो बस उसी को मैं, और आप लोग भी बनाइएगा बहुत अच्छा लगता है, धनिया पत्ता हुआ पुदीना हुआ ये मतलब इस तरह ग्रेवी भी हो जाएगा अच्छा। और इसका फ्लेवर पुदीने का फ्लेवर तो वैसे भी देखिए अच्छा ही लगता है, धनिया पत्ता का उतना नहीं भी अच्छा लगता है लेकिन पुदीने की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, वो जब ताज़ा आते हैं तब भी और वो सूख जाते हैं तब भी, जैसे मेथी पत्ते का होता है ना वैसे ही। तो बस इसको मसाला मैंने पीस के इसमें मतलब मसाले में डाल दिया है आलू में, और इसमें थोड़ी थोड़ी से मसाले डाल देती हूँ, सूखे मसाले जो होते हैं ना धनिया पाउडर हल्दी पाउडर मिर्च पाउडर गरम मसाला सब कुछ डाल के फिर मसाला वगैरह डाल के और एक साथ मिक्स कर देंगे ताकि ये अच्छे से बन जाए सब्ज़ी। और ये देखिए इसमें आलू मैंने डाल दिया और सारे मसाले डाल के ग्रेवी अभी मतलब अभी पानी नहीं डाला, अभी पानी डालेंगे जब ये अच्छे से थोड़ा सा वो मतलब हो जाए फिर इसमें पानी डालेंगे। तो इसका जब मसाला पूरा भून गया था फिर इसमें मुझे जितना पानी डालना था मैंने डाल दिया, फिर थोड़ा सा ऊपर में ये दूध था तो ये दूध मैंने डाल दिया है ताकि इसका फ्लेवर और अच्छा आ जाए। इस जो पनीर की सब्ज़ी हम लोग बनाते हैं ना वैसा लगेगा खाने में, बहुत अच्छा लगेगा। तो बस थोड़ा सा ही डाला है तो बस डाल के फिर वो ढक देंगे इसको। और उसके बाद मैंने मैदा और आटा को लगाया, थोड़ा सा आटा थोड़ा सा मैदा करके लगाया, और जो चने की दाल भरी हुई थी ना उसी को थोड़ा थोड़ा मात्रा में ही मुझे भरना था क्योंकि
ज़्यादा तो थी नहीं, तो आधा आधा चम्मच से भी कम मैंने डाला है, पता ही नहीं चल रहा है, बेलने से ही लग रहा है ना, पता ही नहीं चल रहा। बहुत छोटा छोटा पूड़ियाँ भी बनी थी, और इसको भी मैं फ्राई करके रख लेती हूँ। छोटे छोटे हैं ना तो अच्छे भी लग रहे हैं बनाने में मुझे, क्योंकि इसमें ना 2, 3, 4 एक साथ कितने भी फ्राई कर लो। कढ़ाई भी छोटी है, लोई भी छोटी छोटी मैंने बनाई है, और बड़ी बड़ी बनाती हूँ तो एक एक ही पूड़ी तल पाती हूँ, और ये छोटे छोटे हैं ना तो इसीलिए 4-4 पूड़ी मेरा एक साथ सिक जा रहा है इसमें अच्छे से। और ये इतना गर्मी लग रहा है इसलिए पहले ये सब कर लेते हैं, फिर उसके बाद नहाना धोना ये सब करेंगे। तो ये सब करने के बाद फिर घर को पोछा लगाया मैंने, नहाया धोया, फिर उसके बाद इन लोगों को खाना निकालने जा रही हूँ। और ये सभी लोग नहा लिए हम लोग, क्योंकि इतना गर्मी है ना, एकदम भी सहन नहीं हो रहा था। तो बस चलिए इस वीडियो को ये एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चने की दाल की कचौड़ी है, आलू दम है, और ये मिठाई है। आप लोग भी आइए।